आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपको गौशाला में के दर्शन कराऊंगा। ये गौशाला नजफगढ़ के पास डिचाऊ कला गांव में है, जिसका नाम है श्री कृष्ण गौशाला नंबर 3। देखिए अंदर का व्यू है। ये इस गाय में अलग अलग ब्लॉक में जो गाय को बांटा हुआ है, थोड़ी गाय इस तरफ हैं, थोड़ी गाय आगे की तरफ हैं, और कुछ गाय जो दूध वगैरह देती हैं उनको अलग रखा गया है, और जो बीमार गाय हैं उनको अलग रखा गया है। सारे गाय को अलग अलग स्थान पर रखा गया है, क्योंकि इनको पहचानने में दिक्कत ना हो। ये कुछ बुढ़ी गाय हैं जो बड़ी हो गई हैं। ये दूसरा ब्लॉक है जहाँ पर जो नए नए बच्चे जन्मे हैं, तो उनके लिए ये स्थान है रखा गया है। यहाँ पर छोटे बच्चे आप देखेंगे, नए नए जो बच्चे पैदा हुए हैं दूध कैसे पी रहे हैं, और यहाँ पर दूध वगैरह भी निकाला जाता है गाय वगैरह का। देखो कितना बड़ा स्थान है। काफी अच्छी मैनेजमेंट करी हुई है इस गौशाला के अंदर, काफी बड़ी गौशाला है। हालांकि मैंने डायरेक्ट आपको अंदर से व्यू दिखाया, बाहर की तरफ जो एंट्री गेट है वो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मैं सीधा अंदर की तरफ आ गया था, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये अंदर की तरफ जब एंट्री लेते हैं उस जगह का ये दृश्य है। ये इस तरफ से गायों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। देखो खाली हो गया, पहले यहाँ पर गायें थी। कितना सारा गोबर यहाँ पर है। ये अलग गाय हैं जो थोड़ी सी कम उम्र की हैं। देखिए कितनी दूर तक फैली हुई हैं, कितनी सारी गाय हैं यहाँ पर। हर जगह के हर तरीके की नस्ल की गाय हैं, देसी गाय, गिर गाय, ज्यादातर तो देसी हैं। गायों कुछ आटा वगैरह दे दिया जाए, उसके बाद मैं आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ। गायें हरा चारा, तूड़ा, आटा, रोटी, इस तरीके का खाना काफी पसंद होता है गाय वगैरह को। इस तरफ देखिए, यहाँ भी पहले गायें थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर काफी गोबर वगैरह, तो उसको पहले साफ करेंगे, दोबारा यहाँ पर गाय को वापस ले आएंगे। इसलिए थोड़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, वरना इतनी भीड़ यहाँ पर हालांकि होती नहीं है। ये जो चारा स्टोर है, रूम है, यहाँ पर चारा वगैरह, हरा चारा, तूड़ा जो गाय के खाने का है, उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। देखिए कितना बड़ा है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी बड़े गौशाला है। ये काफी बड़ा है, पूरा पहाड़ है तूड़े वगैरह का, हरे चारे का। खाने की कोई कमी नहीं है इन गायें के लिए, काफी भर के खाना है यहाँ पे गायें के लिए। तो ये कुछ छोटे बच्चे हैं जो गन्ना वगैरह छील रहे थे, तो देखिए हमारे लिए भी गन्ना छील रहे हैं। जो ये बच्चे यहीं पर रहते हैं गौशाला में, जो उनके माता पिता हैं जो यहाँ रहते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, जो नौकरी वगैरह करते हैं यहीं पर, उन्हीं के ये बच्चे हैं। और ये चारा आ गया गाय के लिए जो हमने मंगवाया है। ये चारा डाल दिया गया है, बिल्कुल हरा फ्रेश चारा है, जो गौशाला के बाहर ही दुकान है, दो तीन, कहीं से भी आप ले सकते हैं। उसके आसपास दो तीन जो चारे की दुकान है, इनको हमने चारा डाल दिया है। देखिए कितना पसंद है चारा इन गांवों को। देखिए वो सब कितने चाव से खा रही हैं, गुड़ भी खा रही हैं। देखिए ये छोटी गाय हैं, इनका इस तरफ स्थान बनाया गया है, और जो बड़ी गाय हैं और जो उनका स्थान अलग है।
चलो अभी लास्ट का कुछ वीडियो है जो थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में बन गया है, थोड़ा व्यू ठीक नहीं आ रहा है, फिर भी आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से। देखिए कितना लंबा जो ये बना रखा है इनका खाने के लिए, ऊपर से रोड वगैरह भी पाइप वगैरह लगा रखे हैं कि गाय इस तरफ से उस तरफ ना जा सके। हाँ अब देखिए इस तरफ जो राइट की तरफ देखेंगे आप, वो ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं वो सफाई कर रहा है गोबर वगैरह की, दोबारा प्लेन कर रहे हैं। सफाई करने के बाद दोबारा गाय इस तरफ आ जाएंगी बहुत सारी। तो गौशाला में हर किसी को जाना चाहिए, गो वगैरह सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज कल शहरों में खाने के लिए स्थान तो है नहीं, ना जंगल है, तो इनको इसी तरीके से रखा जाता है। गौशाला वगैरह में इनकी सेवा करी जाती है, हर किसी को अपनी तरफ से कुछ दान वगैरह देना चाहिए इनको, जो भी आपकी श्रद्धा भाव है। इस गौशाला में आए, देखें, घूमें, अच्छा लगेगा हर किसी को। तो देखिए अच्छे से साफ कर दिया ये, तो आप सभी को धन्यवाद।